24 तारीख को चंडीगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आपको बताते चलें 2017 में बीजेपी ने निकाय चुनाव में बहुमत हासिल की थी, तो वहीं वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चंडीगढ़ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सभी जगह सर्विलांस कैमरे भी लगवाए थे और जनवरी में देश के गृह मंत्री कंट्रोल रूम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ रविकांत शर्मा ने बताया कि मैं 5 सालों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी मतदाताओं के बीच में ला रहा हूं। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना देते हैं। एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर बीजेपी पार्टी से संबंधित और इस बार फिर एक बार वार्ड 17 से चुनावी रणभूमि में है और रविकांत शर्मा, सबसे पहले से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रविकांत जी, अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राजकुमार वेरका ने ये कहा है, लगाए आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी में, लेकिन एक निजी चैनल ने आम आदमी पार्टी को पहले पायदान पे और दूसरे पे बीजेपी और तीसरे पे कांग्रेस को दिखाया है कि निकाय चुनाव में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, इस पर क्या कहें? देखिए, ये सपने लेना कोई बुरी बात नहीं होता, हर व्यक्ति को लेने का अधिकार है और अपनी अपनी मानसिकता हर व्यक्ति की है, मगर आने वाले समय में 27 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे और 35 की 35 सीटें आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में अपना खाता खोल लेना बहुत बड़ी बात है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यहाँ रैली की, आपने कहा कि खाता खोल लें, उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित है और मैं चंडीगढ़ में हमारे नगर निगम में मैं बिजली और पानी फ्री कर दूंगा, इस पे क्या कहें? देखिए, पहली बात तो बिजली और पानी फ्री करेंगे ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से करना, और जब आपके पास कोई पैसा होता है कुछ होता है तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं, और चंडीगढ़ की जनता किसी चीज की फ्री चाहती नहीं है। और दूसरी चीज की चंडीगढ़ में आज की डेट में बिजली पानी की जो रेट है उनका कहना, पंजाब में उनके बहुत सारे MLA कभी मुद्दा नहीं उठाया, आज पंजाब में 8 रुपए यूनिट है, चंडीगढ़ में जो बिल 1500-1800 रुपए का आता है वहाँ 8000 का आता है, वहाँ तो करिए। चंडीगढ़ के लोग झांसे में आने वाले नहीं है और चंडीगढ़ के लोग कुछ फ्री में चाहते भी नहीं है और हम कभी फ्री का वादा नहीं करते। लोग कहते हैं वाजिब दाम पे हमें सुविधाएं मिले, वो काम कॉर्पोरेशन कर रहा है। आज चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे देश भर में आपको सजेशन करना, हर चीज जो है वो वाजिब दाम पे सस्ते दाम पे चंडीगढ़ में। आप मेयर है चंडीगढ़ के और लगभग 1 वर्ष आपको हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था जो है चंडीगढ़ की दिन प्रतिदिन जो है चरमराई जा रही, इस पर इन 1 वर्ष में बीजेपी ने कोई इस पे संज्ञान लिया या आने वाले समय में क्या? देखो, बहुत बड़ा संज्ञान लिया, अभी पूरे शहर को हम सर्विलांस पे करने जा रहे हैं, 2200 CCTV कैमरा हमने पूरे शहर में लगाया है। हम फॉरन में जाके आके बात करते हैं, वहां गए थे कहीं ट्रैफिक वाला नहीं मिला, वहां तो सिर्फ CCTV देखते हैं। फरवरी महीने में देश के गृह मंत्री आ रहे, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं कंट्रोल रूम का, और अगले साल 2022 में फरवरी के बाद 2200 कैमरा जब शहर में लगेगा आपको ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। लोग कानून की, चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, कानून की पालना भी करते हैं, और आप देखोगे कि जो भी चढ़ाने के लिए ऑनलाइन CCTV के माध्यम से सारी हो रही है। इसके अलावा उसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी अगर चोरी हो गई हमारे कंट्रोल रूम पे उसका नंबर आ गया, वो गाड़ी जैसे शहर में घुसेगी तो वो कैमरा जो है वो अलर्ट भेजेगा अपने पुलिस कंट्रोल रूम में और जहां पे भी संबंधित अधिकारी को अलर्ट भेजेगा, और पूरे शहर में जहां गाड़ी जाएगी तो वहां पे अलर्ट देखता रहेगा उसको पकड़ने। दूसरी चीज, किसी के साथ कोई स्नैचिंग हो जाती है और हमारा कैमरा वहां पे लगा है, उसने एक बार फेस रीड कर लिया, फेस डिटेक्शन जो है वो फैसिलिटी उसमें डालने, कैमरे स्नैचिंग जहां पे हुई है एक बार कैमरे ने फेस डिटेक्ट कर लिया, पूरे शहर में भी यहाँ व्यक्ति जाएगा वो कैमरा बताएगा कि ये स्नैचर ये है यहाँ पे है इसको पकड़े। तो शहर को हाईटेक पूरा डिजिटल बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात। बटन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।